हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैगचाम। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है मीशो के नेक पीस के ऊपर। सो रिसेंटली आई हैव ऑर्डर्ड समथिंग फ्रॉम मीशो विच आई गॉट टुडे। इमेज आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है एज वेल एज़ इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो लेट्स मूव ऑन टू द रिव्यू। सो ये बात करें इसकी पैकिंग की, तो पैकिंग में मुझे इस तरीके का बॉक्स आया अंदर से, मतलब बिल्कुल भी पैकिंग बहुत अच्छी थी। मतलब प्लास्टिक का डब्बा तो नहीं था, लेकिन ऐसा मतलब बॉक्स आपको दिया था कि आपकी ज्वेलरी जो है वो मतलब सेफली आप तक पहुंच जाएगी। उसके बाद ये था, फिर मतलब बबल रैप भी था, मतलब जो आपको पैकिंग की तो कोई चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं। सो सबसे पहले बात करते हैं हम नेकलेस की, तो ये है कुछ इस तरीके का। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो ये ग्रीन इन कलर, इसमें ग्रीन है, इसमें एक बिग साइज़ भी आता है, बट आई ऑर्डर्ड फॉर द स्मॉल साइज़ एज आई लाइक दैट वन। सो यू कैन सी यहाँ पे इस तरीके के इसमें पर्ल वर्क है और क्वालिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये मुझे अंडर 300 मिला है, यानी मतलब मैं आपको बाद में बताता हूँ किस तरीके से। सो इसकी स्ट्रिंग की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो अगर आप इसे अपने लहंगे के साथ कैरी करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली यू कैन डू इट, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मैंने भी इसी पर्पज़ से ऑर्डर करा है। सो उसके बाद हम बात करते हैं मांग टिकी की। यस, इसके साथ आपको मांग टिका भी मिलता है, जो कि मतलब स्मॉल इन साइज़ है, मतलब साइज़ इसका ज़्यादा बड़ा नहीं है नेकलेस का। तो जिनको बड़े नेकलेस पहनना नहीं पसंद है वो इस तरीके के स्मॉल नेक पीस ट्राई कर सकते हैं। और इसकी मांग टिकी की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं बता नहीं सकता, मतलब अच्छी है क्योंकि ब्लर अभी फोकस नहीं आ रहा है इसका। जो मैं पहले ही बता दूँ, पूरा जो ज्वेलरी है वो ग्रीन है, लेकिन आपको कुछ अलग कलर दिख सकता है, लेकिन मेरी बात मानिए ग्रीन है। कैमरे इशू की वजह से आपको ब्लूइश, आई डोंट नो विच शेड आपको दिख रहा होगा। सो ये इस तरीके की ज्वेलरी, और इस ऐसी नहीं है कि पीली वाली गोल्डन हो बिल्कुल वियर्ड टाइप की, नो, इट्स अ वेरी काइंड ऑफ गुड काइंड ऑफ गोल्डन, जो मतलब ज़्यादा आँखों में चुभता नहीं है, सटल टाइप का गोल्डन है। और इसके इयरिंग्स की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इयरिंग्स भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं। सो नो डाउट अ वन पर्सन हु कैन वेयर इट, सॉरी अ पर्सन हु कैन वेयर इट, जिसको बड़े पहनना पसंद नहीं है, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है आई नो। सो उसके बाद देख सकते हैं आप, ये था इस ज्वेलरी का रिव्यू। सो काफ़ी छोटी सी वीडियो थी, लेकिन अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल होती तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय द वे आई गॉट इट फॉर 221, 259 इसका प्राइस था, लेकिन मुझे इसमें वो लॉटरी जो स्पिन नहीं होता वो मिला था, तो उसकी वजह से इतने की मिली। टिल देन बाय बाय।